तो यार कैसे हो तुम लोग, मैं आ चुका हूं एक और जबरदस्त वीडियो के साथ में। और आज भी बस काफी तगड़ी तगड़ी न्यूज है, तो एंड तक बने रहना, काफी मजा आ जाएगा। फिलहाल बढ़ते हैं पहली न्यूज की तरफ, एंड जो पहली न्यूज आ रही है वह फुकरा इंसान की तरफ से। अब फुकरा इंसान ट्रिगर इंसान के भाई है, एंड उन पे काफी ज्यादा एलिगेशन ये लग रही है कि वो सिर्फ नेपोटिज्म की वजह से यहाँ पे है। मतलब अगर ट्रिगर इंसान नहीं होते तो फुकरा इंसान इतने आगे नहीं आ पाते। एंड जब यही क्वेश्चन इनसे रेडियो सिटी के इंटरव्यू में पूछा जाता है तो देखो फुकरा इंसान क्या ही बोलते हैं इसके ऊपर। लोग ये कहते हैं कि मेन ट्रिगर इंसान मतलब भाई अब इतना उसके 10 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, हमारे कम है, तो लोग कहते हैं कि मतलब ट्रोलिंग इसी तरह से आती है कि ट्रिगर इंसान की वजह से ये वो फलाना, मतलब ऐसे सब बोलते हैं। बट मेरे को ऐसा लगता है कि मतलब ट्रिगर भाई ने कभी अपने चैनल पे ये नहीं बोला कि ये इसका चैनल फुकरा इंसान है, इसको जाके सब्सक्राइब करो। उसने कभी नहीं ऐसा बोला, या उसने कभी नहीं ऐसा बोला कि ये डिम्पल्स के इनका चैनल है, आप जाओ जाके सब्सक्राइब करो। इवन उसके 10 मिलियन सब्सक्राइबर उसने आज तक ऐसा अपने चैनल पे नहीं बोला। हाँ उसने हमारे साथ कोलैब करा, मेरे साथ कोलैब करा, मम्मी के साथ कोलैब करा, बट लिटरली ट्रिगर्ड इंसान ने सबके साथ कोलैब करा। अगर आप यूट्यूब खोल के देखोगे मेरे हिसाब से ट्रिगर्ड इंसान इज द मोस्ट कोलैबोरेटेड चैनल एवर। मतलब मैंने नोटिस किया था वो उसने मिथपैट और ट्रिगर्ड भाई ने इतना कोलैब करा 12 से 13 बार, इतना तो भाई ने मेरे साथ भी नहीं करा होगा। मैं कहे तो मेरा भाई है तब भी मेरे से कोलैब नहीं करा। तो ये क्लियर आउट कर देते, लेकिन मुझे आपके थॉट यहाँ पे जानने की, क्या आपको लगता है कि यहाँ पे अगर फुकरा इंसान के साथ ट्रिगर इंसान नहीं खड़े होते तो क्या वो यहाँ तक पहुंच पाते या नहीं पहुंच पाते, ये मुझे अपने रियल शॉर्ट में कमेंट से जरूर बताना। और यार बढ़ते अगली स्टोरी के ऊपर, एंड जो अगली स्टोरी आ रही है फ्लाइंग बीस की तरफ से आ रही है। फ्लाइंग बीस को काफी ज्यादा लोग ये बोल रहे थे कि उनका जो पेट है माऊ वो उनका प्रॉपर ध्यान नहीं रख रहे हैं, इसी के ऊपर वो क्लियर आउट करते हुए देखो क्या ही बोलते हैं। नहीं पॉसिबल होता, लाइक छोटी छोटी एक्सप्लेनेशन की आप माऊ को टहलाने नहीं जाते, इसको डॉक्टर ने मना किया, ऐसे नहीं जाते, आप माऊ को ये नहीं करते, कोई रीजन है उसका नहीं करते इसलिए। बट आई एम ऑल्सो हैप्पी दैट पीपल आर वेरी कंसर्न। बट एक छोटा सा इंसिडेंट मैं शेयर करना चाहूंगा, जब रशि नई नई पैदा हुई थी ना तो बहुत लोग हमें पेरेंटिंग के लिए जज करते थे, जो मुझे लगता है सबसे खराब चीज होती है। आप किसी भी पेरेंट, हर पेरेंट अपने बच्चे का अच्छा ही चाहता है, छोटी छोटी बातों पर बहुत ज्यादा ऑर्डर हो जाता है लोगों को, ये सोचते हुए कि हाँ नॉर्मल लाइफ में शायद वो भी करते। लेकिन ब्लॉगिंग ऐसी चीज है कि मैं, मुझे फिर भी वो होता है कि यार मैं ऐसा ही तो हूँ, मैं ऐसा ही तो दिखाऊंगा, क्योंकि यही तो लाइफ है मेरी। मैं कुछ स्क्रिप्ट नहीं करता, तो अपनी लाइफ ही दिखाता हूं। तो नहीं लेकिन सॉरी, मैंने भी सोचा अभी, हाँ इसमें आप लोगों की गलती नहीं है, क्योंकि यार देखो क्या होता है कि हम वो लाइफ जीते तो हमारे दिमाग में एक ना पिक्चर होती है, एक होलिस्टिक इमेज बनी होती है क्या हो रहा है, बट हम आपको एक स्निपेट काट के दिखाते हैं उसमें से। तो हो सकता है कि कभी कभी आपको गलत या फिर उसमें उल्टा लग जाए, तो उसमें माफ कर देना, कुछ ऐसा उल्टा सीधा बोल दिया तो। बट बहुत प्यार करता हूँ उससे यार, मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ। सम पीपल रियली थोड़ा सा उन्होंने माइंड कर गया कि मैंने माँ को डांट दिया था कि जब ऋषि को काट लिया था उसने, तो माँ को मैंने डांट दिया था। भाई साहब पहले डांटा था, माँ मेरा बच्चा है यार, उसको मैं अपना मतलब जब मैं बात करता था वो पापा से, पापा के पास मैं ऐसे बोलता हूँ उसको, भाई मेरा बच्चा है वो भाई। तो यार चलो बढ़ते हैं अगली स्टोरी के ऊपर, एंड जो अगली स्टोरी आ रही है वो एल्विश यादव की तरफ से आ रही है। अब एल्विश यादव ने एक वीडियो रिलीज करी थी जो कि एमएलएम मार्केटिंग के ऊपर रोस्ट थी, मतलब एक एक्सपोज वीडियो काइंड ऑफ थी, एंड इसी के ऊपर वो काफी ज्यादा हेट मिल रही है उनको, एंड इसी के ऊपर वो रिएक्ट करते हैं, देखो क्या ही बोलते हैं। मैसेज यार मेरे पास, भाई लड़का कौन है जो तुम्हें गाली दे रहा है, लड़का नहीं है वो यार, लड़का नहीं है। मैं भी पहले ये सोच रहा था कि लड़का, पर लड़का नहीं है भाई वो। और चलो क्या ही बोले, चलो यार मैं उस लड़की को बोलना चाहूंगा, क्या नाम था उसका, मारिया राजपूत, यार यार जी खराब कर दिया माँ का। संतरी सुबह सुबह से मैं चेक कर रहा अपने मैसेज बहन चमक का, ये कौन है, खोल के देखा मैं, शिट भाई शिट यार, अब नहाना पड़ेगा मेरे को। देखो यार सीधा बताता हूँ, मेरी कोई लड़ाई नहीं है किसी एमएलएम कंपनी से, वेस्टीज हो गई कोई और भी कंपनी, मेरी कोई पर्सनल लड़ाई नहीं, क्योंकि मैं इनको जानता नहीं। रही दूसरी बात, अगर तुम मेरे दरवाजे पर अगर कुछ बेचने आ गए ना, वाइपर धरे हमारे लट धरे, और भाई एक लट तो ऐसा रखा उसमें तार तूर लपेट रखे। अरे मजाक कर रहा हूँ यार, तुम तो दिल पे ले लेते हो, पीछे मत आना स्टोरी के, यहाँ पे थोड़ी इंपॉर्टेंट बातचीत चल रही। भाई देखो यार मेरी कोई पर्सनल हेट नहीं है किसी वेस्टीज कंपनी से, या फिर उनके जो काम करते हैं जो सामान, वो भी बेचारे स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको बाद में पता चलेगा कि उनके साथ गलत हो रहा है। बट समझ रहे हो ना तुम मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ, भाई तुम अगर मेरे घर पर आओगे मैं तुम्हें पानी जरूर दूंगा, क्योंकि थके हारे आओगे इतनी दूर से चल फिर के, तो मुझे पता है तुम मेहनत कर रहे हो, मुझे पता है कि तुम लोग स्ट्रगल कर रहे हो, तुम्हें पैसा कमाना, सबको कमाना पैसा, बट धीरे धीरे चीज़ें पता चलेंगी तुमको। मैं नहीं कह रहा हूँ कि रुक जाओ, कह रहा हूँ वैसे तो रुक जाओ, तुम्हारा मन करे रुक जाना, ना करे तो मत रुकना। और भाई जिसमें ज़्यादा जोश चढ़ रहा हूँ ना, जाके गूगल कर लेना कि क्या ये लीगल है इंडिया में। मैं अभी स्क्रीनशॉट डाल रहा हूँ, बाकी तुम भी गूगल कर लेना इस MLM लीगल इन इंडिया, आंसर मिल जाएगा तुम्हें। बाकी यस यार एल्विश यादव यहाँ पे क्लियर आउट कर देते हैं, जितनी भी धमकियाँ उनको मिल रही है वो सब क्लियर आउट कर देते हैं। फिलहाल बढ़ते हैं अगली स्टोरी के ऊपर, एंड जो अगली स्टोरी आ रही है वो है थगेश की तरफ से। अब थगेश यहाँ पे एक वीडियो बनाते हैं, बेसिकली एक रोस्ट वीडियो होती है जो कि मिस्टर इंडियन हैकर के ऊपर है, एंड वहाँ पे वो बताते हैं कैसे मिस्टर इंडियन हैकर एग्जाजरेट करते हैं चीज़ों को, कैसे मतलब छोटी छोटी चीज़ों को कि बताते कि बहुत ही बड़ी बड़ी चीज़ है, मतलब बेसिकली प्रॉपर एक रोस्ट है। और अगर आपको
वाली वीडियो देखनी तो हमेशा के लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड वहां जाके देख सकते हो। फिलहाल यार यहीं तक की वीडियो, और वीडियो पसंद है सीरियसली लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करके जाना। एंड यार कल मिलते हैं एक और जबरदस्त वीडियो के साथ। बाय, शबा खैर।